हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आईटी सपोर्ट। और इस वीडियो में आज हम लर्न करेंगे आईएएम के बारे में, दैट इज़ कॉल्ड आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट। और ये जो आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट है, ये सिक्योरिटी, आइडेंटिटी एंड कंप्लायंस के अंदर लिस्ट होती है। ये सारी जो सर्विसेज है, ये सब सिक्योरिटी, आइडेंटिटी एंड कंप्लायंस में आती है, जिसमें एक सर्विसेज है आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट। तो आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट में क्या होता है कि आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट में हम यूज़र्स जो होते हैं उनको क्रिएट कर सकते हैं, ग्रुप्स क्रिएट कर सकते हैं, और उससे रिलेटेड पॉलिसीज़ और रोल्स हम आईएएम में क्रिएट कर सकते हैं, जो कि हमें AWS में जो EC2 इंस्टेंसेस है और जो बाकी सर्विसेज है उसको रन करने में हेल्प मिलती है। तो अगर हम इस पर क्लिक करें तो इस तरीके से आईएएम का डैशबोर्ड होता है। आईएएम में फर्स्ट जो डैशबोर्ड में आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे चार यूज़र ऑलरेडी क्रिएटेड है, एक रोल हमने क्रिएट किया है, ग्रुप है, इसमें दो ग्रुप है, और एक कस्टमर मैनेज पॉलिसी है, दो पॉलिसीज़ हमने यहाँ पे बनाई हुई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ग्रीन है और ये एक्सक्लेमेटरी मार्क के साथ में है, ये ग्रीन ग्रीन, ये सब हमने सेट किया हुआ है। तो पहला वाला जो आपको दिखाई दे रहा है टिक किया हुआ, डिलीट योर रूट एक्सेस की, तो अगर हम इसमें क्लिक करें, कंटिन्यू टू सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं योर सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स में जाके हम पासवर्ड वगैरह चेंज कर सकते हैं, MAF, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। ये जो चीज़ है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ये टू लेयर सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। अगर हम इसे एक्टिवेट कर दें, अगर हम MAF को एक्टिवेट कर दें, तो इसमें दो ऑप्शन आते हैं, सेलेक्ट द टाइप ऑफ MFA डिवाइस टू एक्टिवेट, एक पहला वर्चुअल MFA डिवाइस और हार्डवेयर MFA डिवाइस। तो अगर हम यहाँ पे वर्चुअल MFA डिवाइस सेलेक्ट करें, नेक्स्ट स्टेप करें, तो यहाँ पे उसके बाद अगेन ये हमें पूछता है, टू एक्टिवेट अ वर्चुअल MFA डिवाइस यू मस्ट फर्स्ट इंस्टॉल एन AWS MFA कंप्लाइंस कॉम्पेटिबल एप्लीकेशन ऑन यूजर स्मार्टफोन पीसी और स्मार्टफोन और पीसी। तो यहाँ पे क्या होता है, एक एक एप्लीकेशन, एक ऐप होता है, अगर आपको फ़ोन से ऑथेंटिकेट करना है तो एक ऐप होता है जो आपको इंस्टॉल करना पड़ता है। तो ये जो AWS है, ये गूगल के टू स्टेप वेरिफिकेशन के साथ भी काम करते हैं। गूगल ऑथेंटिकेशन करके एक ऐप होता है जो आपको अपने फ़ोन पर इंस्टॉल करना पड़ता है। वो गूगल ऑथेंटिकेशन ऐप एक 6 डिजिट का कोड जनरेट करता है, और वो कोड आपको यहाँ डालना पड़ता है जब आप उसे एक्टिवेट करोगे। तो अगर आप नेक्स्ट स्टेप करते हो, तो ये आपको जब आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करोगे आपके फ़ोन पे, तो ये स्कैन करना होगा। स्कैन करने के बाद आपको दो कोड आएंगे, वो दो कोड यहाँ पे डाल के आपको एक्टिवेट करना है। तो जब भी आप इस पोर्टल को लॉग इन करेंगे, यहाँ पे सपोज जो यूज़र है, अगर मैं इसे साइन इन करके साइन इन करता हूँ, तो जो आपको ये आएगा, पोर्टल आएगा, वहाँ पे आपको की को वो टू स्टेप वेरिफिकेशन का जो डिजिट कोड है वो आपको यहाँ पे डालना पड़ता है। तो ये टू लेयर सिक्योरिटी यहाँ पे फीचर है। तो ये वही है, एक्टिवेट MFA अकाउंट यहाँ से भी हम कर सकते हैं, और पर्टिकुलर यूज़र के लिए भी कर सकते हैं। और ये लिंक आप देख रहे हैं कि ये IAM यूज़र साइन इन लिंक है। सपोज़ हम जब यूज़र क्रिएट कर देते हैं AWS के पोर्टल पे, तो उसको लॉगिन करने के लिए हमें ये वाला जो लिंक है, जो लिंक यहाँ पे दिखाई देता है, हम इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। जब आप न्यू अकाउंट बनाएंगे तो यहाँ पे आपको एक डिजिट्स दिखाई देंगे, कुछ नंबर्स दिखाई देंगे, उसके बाद ये सारा कुछ होगा। इसको मैंने कस्टमाइज़ किया, वो डिजिट जो नंबर्स थे उसको मैंने यहाँ पे नाम दे दिया है। इसको मैं डिलीट भी कर सकता हूँ और वापस क्रिएट कर सकता हूँ। तो ये जो चीज़ है, इसको अगर मैं दूसरे टैब में ओपन करूँ, तो ये मेरा अकाउंट है जिस AWS अकाउंट में मैंने लॉग इन किया हुआ है, ये अकाउंट यहाँ पे ओपन होता है। और जो IAM यूज़र है, ये आप देख सकते हैं अकाउंट आईडी यहाँ पे आ जाता है। उसके बाद जो भी यूज़र मैंने क्रिएट किया है, वो यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के जब आप साइन इन करते हैं, तो आप उस यूज़र से AWS के पोर्टल पे लॉग इन हो जाते हैं। तो मैं यहाँ पे रूट यूज़र ही लॉग इन करता हूँ, फिर जब हम एक यूज़र क्रिएट करेंगे तो फिर मैं आपको बताऊँगा।
तो यहाँ हम डेमो के लिए एक यूज़र क्रिएट करेंगे। तो यूज़र्स में जाता हूँ मैं, यहाँ पे मेरे बाकी के यूज़र ऐडेड है, मैं यहाँ एक यूज़र ऐड करता हूँ। सपोज़ मैं एक यूज़र ऐड करता हूँ टेस्ट, उसके बाद मुझे ऑप्शन दिखाई देते हैं सेलेक्ट AWS अकाउंट टाइप। तो यहाँ पे मुझे अकाउंट टाइप सेलेक्ट करना पड़ता है, पहला तो एक प्रोग्रामेटिक एक्सेस और दूसरा है AWS मैनेजमेंट कंसोल। तो ये वाला जो कंसोल है इसमें सिर्फ आपको CLI दिखाई देगा जहाँ पे आप कोड्स वगैरह डाल के AWS को एक्सेस करेंगे, बट यहाँ पे आपको AWS मैनेजमेंट कंसोल जैसा ये कंसोल है वैसा ही कंसोल यहाँ पे दिखाई देगा। तो मैं इस यूज़र के लिए दोनों भी चीज़ें इनेबल कर देता हूँ। उसके बाद ये पूछेगा कि ऑटो जनरेटेड पासवर्ड चाहिए या आप खुद कस्टम पासवर्ड यहाँ पे डालना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे पासवर्ड डाल देता हूँ। उसके बाद यूज़र मस्ट क्रिएट ए न्यू पासवर्ड, अगर आप चाहते हैं कि यूज़र इस पासवर्ड को चेंज करके नया पासवर्ड सेट कर ले तो वो भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं निकाल रहा हूँ उस चीज़ को। यहाँ एरर आ गया, द पासवर्ड डज नॉट कन्फर्म दैट द अकाउंट पासवर्ड पॉलिसी, इट मस्ट कंटेन 6 डिजिट। तो मैंने 4 ही सिक्स कैरेक्टर है तो मैंने 4 ही कैरेक्टर डाले हैं, तो मैं यहाँ पे 6 कैरेक्टर डाल देता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं नेक्स्ट करता हूँ। तो नेक्स्ट में मुझे देख देते हैं सेट परमिशन फॉर टेस्ट। तो ये मुझे बोलता है कि आप क्या इस यूज़र को किसी ग्रुप में ऐड करना चाहते हैं या फिर आप कॉपी करना चाहते हैं परमिशन फ्रॉम एग्जिस्टिंग यूज़र का, कुछ परमिशन कॉपी करना चाहते हैं क्या, या फिर अटैच एग्जिस्टिंग पॉलिसी आप कुछ ऐड करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे बोलने वाला हूँ कि नहीं, मुझे कोई इस ग्रुप में नहीं डालना है इस यूज़र को, जस्ट आप क्रिएट करो। तो यहाँ पे एरर क्या देता है, दिस यूज़र हैज़ नो परमिशन, यू डोंट हैव गिवन दिस यूज़र एनी परमिशन, दिस मींस दैट यूज़र हैज़ नो एक्सेस टू एनी AWS सर्विसेज। तो यहाँ पे हमने कोई उसको सर्विसेज कुछ हमने दी नहीं है और यहाँ पे हम यूज़र क्रिएट करते हैं। यूज़र क्रिएट करने के बाद में ये एक्सेस की आईडी आता है और ये सीक्रेट एक्सेस की आता है। तो ये जो एक्सेस की आईडी और ये जो सीक्रेट की एक्सेस आईडी है, ये जब आप CLI के थ्रू लॉग इन करते हैं AWS में तो वहाँ पे इसे हमें कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। तो ये चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड की जाती हैं AWS की तरफ से। तो हम इसे अगर क्लोज करें तो यहाँ आप देख सकते हैं मेरा टेस्ट करके यूज़र क्रिएट है, ये किसी ग्रुप पे नहीं है। एक्सेस की इसका एज हमने सेट नहीं किया है, पासवर्ड एज हम हाँ जी हमने इसे एक्सेस किया है, लास्ट एक्टिविटी कुछ भी नहीं की है, MFA इनेबल नहीं किया है, ये मल्टी फैक्टर एक्सेस जो है ये हमने यहाँ पे इनेबल नहीं किया है इस यूज़र के लिए। तो आइए अब इस यूज़र के लिए लॉग इन करते हैं और चेक करते हैं ये लॉग इन होता है या नहीं। तो ये मेरा पोर्टल है, इस यूज़र को लॉग इन करने के लिए मुझे इस लिंक को कॉपी करना होगा। यहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं, यहाँ पे जब मैं इसे पेस्ट करता हूँ तो यहाँ पे मेरा अकाउंट आईडी आता है। अब मैं यूज़र का नेम डालता हूँ और पासवर्ड, और अगर मैं साइन इन करता हूँ तो यहाँ पे एक एरर आता है, योर ऑथेंटिकेशन इन्फॉर्मेशन इज़ इनकरेक्ट, प्लीज़ ट्राई अगेन। तो फिर से मैं पासवर्ड डालने की कोशिश करता हूँ। तो ये मुझे लॉग इन नहीं करने दे रहा क्योंकि मैंने इसे कोई भी सिक्योरिटी परमिशन नहीं दी है, कोई भी पॉलिसी किसी ग्रुप में मैंने इसे नहीं डाला है, कुछ भी सर्विसेज में एक्सेस इसे नहीं करवा रहा हूँ। यहीं अगर आप किसी दूसरे यूज़र को लॉग इन करना चाहें जो ऑलरेडी हमने बनाए हैं वो मैं दिखा देता हूँ आपको, तो वो यूज़र इसमें आसानी से लॉग इन हो जाता है। ये जो मैंने एडमिन यूज़र बनाया था तो उस यूज़र के थ्रू हम यहाँ पे लॉग इन हो गए। आप देख सकते हो ये एडमिन यूज़र यहाँ पे लॉग इन है, लेकिन अगर मैं यूज़र में जाऊँ और इस टेस्ट यूज़र के इसमें जाऊँ, इसमें ऐड परमिशन करूँ, गेट स्टार्टेड विद द परमिशन, दिस यूज़र डजेंट हैव एनी परमिशन, गेट स्टार्टेड बाय एडिंग यूज़र टू ग्रुप, कॉपिंग परमिशन फ्रॉम अनादर यूज़र और अटैचिंग ए पॉलिसी डायरेक्टली। तो अगर मैं ऐड करके अब मैं इसे किसी एक ग्रुप में डाल देता हूँ, तो यहाँ पे सपोज़ मैंने इसे HR ग्रुप में डाल दिया है जिसमें कि Amazon S3 का फुल परमिशन, फुल एक्सेस इसे है। अगर मैं इसे नेक्स्ट रिव्यू करूँ तो यहाँ पे ग्रुप नेम HR, ऐड परमिशन, तो HR रिलेटेड जो भी परमिशन थी
ये परमिशंस है AWS की, आप देख सकते हैं ये HR ग्रुप में आ गया है, और अगर ग्रुप में जाए तो ये इस ग्रुप में है, ये उसकी परमिशंस है। सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स में आए तो यहाँ पे हम उस यूज़र का पासवर्ड चेंज भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम उस यूज़र को लॉगिन करने की कोशिश करते हैं। शायद इसका पासवर्ड मैच नहीं हो रहा है, तो मैं इसका पासवर्ड चेंज कर देता हूँ। कस्टम पासवर्ड सेट करता हूँ। अप्लाई। अब लॉगिन करने की कोशिश करता हूँ। मैं अगर इस सेम ब्राउज़र पे इस यूज़र को लॉगिन करने की कोशिश करूँ तो ये लॉगिन नहीं होता है, लेकिन मैं एक दूसरा ब्राउज़र ओपन करता हूँ और इस दूसरे ब्राउज़र पे ये लिंक कॉपी करता हूँ। अब मैं यूज़र का नाम एंटर करता हूँ और पासवर्ड, तो आप देख सकते हैं कि ये लॉगिन हो गया है, और ये जो यूज़र है ये HR ग्रुप में है, राइट। और HR ग्रुप में होने के बाद में इसकी जो सर्विसेज मैंने इसे अलाउ की है वो सिर्फ S3 के लिए अलाउ की है, फुल एक्सेस। अगर इस यूज़र से मैं EC2 को अगर एक्सेस करना चाहूँ तो यहाँ पे आपको एरर आएगा, यू आर नॉट ऑथराइज टू डिस्क्राइब रनिंग इंस्टेंस, यू आर नॉट ऑथराइज। तो ये सारी एरर यहाँ पे आपको दिखाई देंगे इस यूज़र के लिए। तो आ जाते हैं वापस इस सेक्शन में। तो हमने एक यूज़र बनाया और हमने उस यूज़र को ग्रुप में ऐड किया, और ग्रुप में हमने ऑलरेडी कुछ पॉलिसीज़ असाइन की हुई थी, इसलिए उस यूज़र को उस ग्रुप की पॉलिसीज़ मिल गई। अब यहाँ पे हम एक ग्रुप क्रिएट करेंगे, क्रिएट न्यू ग्रुप। ग्रुप का नाम सपोज हम रख देते हैं IT, क्रिएट नेक्स्ट स्टेप। अब इस IT में हमें अब पॉलिसीज असाइन करनी होगी कि इस IT को कौन सी जो परमिशन है, किस सर्विसेज के लिए ये परमिशन इस ग्रुप को देनी है। तो सपोज अगर मैं यहाँ पे डाल दूँ एडमिनिस्ट्रेटर, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, तो इसमें नेटवर्क रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज होंगी वो इसमें ऐड हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे इसे देने जा रहा हूँ एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस, और अगर मैं इसे नेक्स्ट करता हूँ तो ग्रुप नेम ये होगा और पॉलिसीज इसे एडमिनिस्ट्रेटर जो पॉलिसीज है वो इसे असाइन हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा नया ग्रुप क्रिएट हुआ है यहाँ पे। अगर मैं इस ग्रुप को क्लिक करूँ और यहाँ पे आके देखूँ तो ये एडमिनिस्ट्रेटर पॉलिसी से अटैच हो गई है। अगर इसको मैं शो पॉलिसी करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये कोड्स यहाँ पे आपको दिखाई देगा जिसमें कि लिखा हुआ है इफेक्ट अलाउ, अलाउ करेगा ये एक्शन, कोई भी एक्शन हो। कोई एस्ट्रिक का मीन्स क्या होगा कि कोई भी एक्शन रिसोर्स, कोई भी रिसोर्स सबके लिए अलाउ करना है। तो इस एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस जो दिया है हमने IT ग्रुप में, तो अगर मैं किसी यूज़र को IT ग्रुप में डाल दूं तो उस यूज़र को सारा कुछ एक्सेस हो जाएगा। तो अब मैं इस यूज़र टेस्ट को, इस टेस्ट यूज़र को HR ग्रुप से निकाल के IT में डाल देता हूं। तो आप देख सकते हैं ये यूज़र दो ग्रुप में है, एक IT और HR में। अब मैं HR ग्रुप इसे निकाल देता हूँ। अब ये जो यूज़र है, टेस्ट यूज़र जो है,
ये इस आईटी ग्रुप में है और इसे सारा कुछ परमिशन है। तो आप इसे चेक करते हैं। अब जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, ये सब कुछ चेंज हो जाना चाहिए। आप देख सकते हैं इसे सब कुछ एक्सेस हो चुका है। कुछ भी करने के लिए अब ये यूज़र तैयार है। क्रिएट फाइल सिस्टम, तो ये फाइल सिस्टम भी बना सकता है। तो इस तरीके से आपने यूज़र देखा, ग्रुप देखा, और रोल की अगर हम बात करें तो रोल क्या कहता है, व्हाट आर आई एम रोल, रोल क्या होता है। तो आई एम रोल आर अ सिक्योर वे टू ग्रांट परमिशन टू एंटिटीज दैट यू ट्रस्ट। एग्जाम्पल ऑफ एंटिटीज इंक्लूड द फॉलोइंग, जैसे आई एम यूजर इन अनादर अकाउंट, जैसे एक आई एम यूजर है उसे आप किसी दूसरे अकाउंट का परमिशन देना चाहते हैं। अकाउंट मीन्स ये जो अकाउंट, ये जो नंबर, ये जो पूरा एक वर्ड है, ये एक अकाउंट है। ऐसे आपके तीन चार अकाउंट हो सकते हैं। तो सपोज कोई एक सुपर यूजर है और उसको आपको सारे अकाउंट का एक्सेस देना है, तो उस केस में हम रोल यूज करेंगे और उस यूजर को ये रोल असाइन करेंगे सो दैट कि वो सारे अकाउंट को मैनेज कर सके। वैसे ही एप्लीकेशन कोड रनिंग ऑन EC2 इंस्टेंस दैट नीड्स टू परफॉर्म एक्शन ऑन AWS रिसोर्सेस, कोई एक EC2 इंस्टेंस है, उसमें कोई एप्लीकेशन रन और कोड्स रन हो रहा है जिससे कि हम सारे अकाउंट्स के या सारे मशीनों में रन करना चाहते हैं, तो उसके लिए एंड AWS सर्विस दैट नीड टू एक्ट ऑन रिसोर्सेज इन योर अकाउंट टू प्रोवाइड इट्स फीचर। यूजर फ्रॉम कॉरपोरेट डायरेक्टरी वो यूज आइडेंटिटी फेडरेशन विथ सैम एल। तो ये चीज़ क्या है, ये जैसे एक्टिव डायरेक्टरी अगर हम यहाँ पे मर्ज करना चाहें, LDAP वगैरह जो सिंगल साइन ऑन फीचर है वो यहाँ पे भी हम कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो आई एम रोल इश्यूज की दैट वैलिड फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन मेकिंग देम मोर सिक्योर वे टू ग्रांट एक्सेस। तो यहाँ पे एडिशनल आप चीज़ें समझ सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक रोल क्रिएट किया हुआ है जिसका नाम है S3 एडमिन एक्सेस, और इसका डिस्क्रिप्शन है फुल एक्सेस टू S3, और जो सर्विसेज जिसके लिए मैंने दी है EC2 के लिए। तो EC2 जो हमारा इंस्टेंस है उसको हमने एडमिन एक्सेस दिया है टू रन S3 सर्विसेज, ठीक है। तो ये अभी अगर आप क्रिएट रोल करें तो यह आपको इतने ऑप्शन देता है, देख सकते हैं आप। तो ये इसमें AWS सर्विस EC2 लैम्डा एंड अदर सर्विसेज के लिए है ये रोल है। अनादर AWS अकाउंट बिलोंगिंग टू थर्ड पार्टी, कोई दूसरा थर्ड पार्टी अकाउंट है और आप यहाँ पे उसके लिए कुछ रोल क्रिएट करना चाहते हैं, तो वो है वेब आइडेंटिटी कॉग्निटो और एनी ओपन आईडी प्रोवाइडर। कुछ अलग वेब आइडेंटिटी अगर यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं तो वो SAML2 फेडरेशन, ये डायरेक्टरी सर्विसेज रिलेटेड है। तो यहाँ पे हम AWS सर्विसेज EC2 के लिए क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अलाउज EC2 इंस्टेंस टू कॉल AWS सर्विस ऑन योर बिहाफ, मगर आप अगर आप नहीं हैं तो EC2 इंस्टेंस इस सर्विसेज को रन करेगा। तो हम यहाँ पे EC2 को सेलेक्ट करके नेक्स्ट बोलते हैं। अब इसमें हम परमिशन ऐड करेंगे कि किसके लिए हमें करना है। तो जैसा कि हम S3 के लिए ही करने वाले हैं, तो S3 फुल एक्सेस या फिर रीड ओनली एक्सेस करना है तो रीड ओनली दे दीजिए क्योंकि फुल एक्सेस हमने ऑलरेडी यूज़ किया है। नेक्स्ट करिए, यहाँ पे रोल का नाम दे दीजिए S3 रीड ओनली। उसके बाद क्रिएट रोल करिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक एडमिन एक्सेस जिसको फुल एक्सेस है और एक रीड ओनली हमने EC2 के लिए क्रिएट कर दिया। ये हमें आगे जो वीडियोस हम आगे जो हमारा सॉल्यूशन आर्किटेक्ट का जो हम सीरीज हमने स्टार्ट किया है तो उसमें ये चीज़ स्टार्ट होगी। ये हमारा पहला लेक्चर है जिसमें हम IAM रोल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ये पहली चीज़ है जो एक AWS स्टार्ट करने के पहले हमें यूज़ में आती है। तो ये था IAM जिसमें हमने रोल क्रिएट किया। उसके उसी तरीके से पॉलिसीज़ भी हम बना सकते हैं, जैसे ये एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस की पॉलिसी है, तो इसमें अगर हम परमिशन में जाएं तो ये सारी चीज़ें इसे हम एडिट करके कुछ और भी ऐड करना कर सकते हैं। अटैच एंटिटी, अभी
इसमें कौन कौन से ग्रुप अटैच्ड है, जो भी चीज़ें हैं, जैसे ग्रुप एट अटैच है आईटी वाला, और एडमिन यूज़र अटैच है एडमिन वाला, तो ये एंटिटीज़ में काउंट होता है। और कुछ अटैच करना है तो यहाँ से कर सकते हैं, पॉलिसीज़ वर्जन, एक्सेस एडवाइज़र, तो ये सी पॉलिसी जिसमें हम किसी भी कोई एक पॉलिसी क्रिएट कर सकते हैं और वो पॉलिसी किसी भी यूज़र और ग्रुप को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि हमने एक पॉलिसी बनाया, सपोज़ हम एक पॉलिसी क्रिएट करते हैं, यहाँ पे हम EC2 के लिए एक पॉलिसी क्रिएट करके देखते हैं। EC2 ये मैं सेलेक्ट करता हूँ, जो पॉलिसी हम बनाने वाले हैं वो EC2 के लिए। एक्शन क्या होगा, रीड एंड राइट एक्शन हम परफॉर्म करेंगे। अब इसमें आप देख सकते हैं रीड में 12 सेलेक्टेड है, डिस्क्राइब इलास्टिक ग्रुप, डिस्क्राइब वॉल्यूम मॉडिफिकेशन, ये सारी चीज़ें, गेट पासवर्ड डेटा, ये सब चीज़ें रीड में आ गई। या फिर ऑल EC2 एक्शंस, जितनी भी EC2 रिलेटेड एक्शन है वो इसमें अगर हम डाल दें तो ये सब सारी चीज़ें यहाँ पे एक्सेस लेवल, ये सारा कुछ सेलेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे रिसोर्स, यू कैन एक्शन दैट रिक्वायर्ड कस्टम गेटवे रिसोर्सेज टाइप, ये सब कुछ सेलेक्ट हो जाता है। उसके बाद रिव्यू पॉलिसी करते हैं, ठीक है। 12 वार्निंग्स हैं, ये सब वार्निंग्स यहाँ पे आई हुई हैं। तो अगर इसे निकालूँ, मैं सिर्फ रीड अगर देखूँ, तो इसमें एक वार्निंग आता है, यू चूज एक्शन दैट रिक्वायर्ड द इंस्टेंस रिसोर्स टाइप, ठीक है। इस तरीके से ये पॉलिसी क्रिएट हम कर सकते हैं। यहाँ पे नंबर्स ऑफ पॉलिसीज है, इसमें आप देख इस इन पॉलिसी को आप लिस्ट करके देख सकते हैं कि क्या क्या अलाउड है। अभी देखिए SSM में लिस्ट एसोसिएशंस, पुट इन्वेंट्री, ये सब कौन सा करेगा, अमेजोन EC2 रोल फॉर SSM। उसके बाद में EC2 फुल एक्सेस में क्या क्या आता है, तो इसमें EC2 को अलाउ ऑल रिसोर्सेज, अलाउ इलास्टिक लोड बैलेंसिंग, अलाउ क्लाउड वॉच, अलाउ ऑटो स्केलिंग, ये सारी चीज़ें इस पॉलिसी में आ जाती है, ठीक है। आइडेंटिटी प्रोवाइडर, क्रिएट प्रोवाइडर, कुछ प्रोवाइड कुछ अगर ये सैम, ये SAML वाला है, ओपन LDAP, सो SAML अगर चूज़ करे तो प्रोवाइडर नेम मीन्स जो ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उसके बारे में इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे दे सकते हैं। अभी ये जो अकाउंट सेटिंग है, इसमें अकाउंट सेटिंग सपोज कोई यूज़र हमने क्रिएट किया है तो उसमें पासवर्ड पॉलिसी हम सेट कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं पासवर्ड पॉलिसी, तो वो कैरेक्टर कितने लेंथ का है, होना चाहिए, कब एक्सपायर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इनेबल पासवर्ड एक्सपायरी, ये सारी डिटेल हम यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। और ये क्रेडेंशियल रिपोर्ट को हम डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ये था IAM के बारे में, आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट। आप ये जो वीडियो देख रहे थे, इसके बाद हम सारे वीडियोस कवर करते जाएंगे। ये एक सॉल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट लेवल का कोर्स हम यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं। ये पहला लेक्चर था इसका IAM, इसके बाद के भी वीडियो मैं क्रिएट करने जा रहा हूँ। तो आप, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं नेक्स्ट वाला वीडियो आप देख पाए, एंड वीडियोस को शेयर भी आप करिए, लाइक करिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।